फोर क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट का जो फर्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो कोई भी बच्चे ने क्या क्या मिस्टेक किया, एजी किया डेवेट में तो कोई भी सनलाइट तक नहीं लिखा था, लेकिन तुम लोग लिखे सनलाइट उसमें एजी प्लस बीआरटू, उसके बाद इसमें पॉइंट आएगा या वे टू होगा, कहीं दिक्कत था ये बातें क्यों कौन पूछ रहे अलग बैठो। अच्छा ओके, तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज इन सिल्वर एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन में बी आर टू होगा। कोई भी बच्चे ने एजी टू लिखा, एक बच्चे ने बी आर लिखा, ओके एक ने एन ए बी आर लिखा, तो ये सारे गलत है ना बेटा। दैट मीन्स कुछ भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे। नंबर टू, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल दैट इज एन ए प्लस वाटर, इसमें भी मिस्टेक करते बैठे, एन ए ओ एच प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें मिस्टेक क्या हुआ, एन ए ओ एच लिखने के बाद ओएच पैकेट में अंदर रखते हैं, तो नहीं लिखते ना, फिर इसको बैलेंस भी करना था। ओके बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन तीन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। ओके तो इसको टू से इंटू करते हैं, यहाँ पे टू लिख देते हैं, तो सोडियम दो होता, हाइड्रोजन यहाँ पे दो और दो चार, तो यहाँ पे टू से इंटू करते तो बैलेंस हो जाता है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन आया तुम्हारा 2012 में, वो मिस्टेक करके बैठे। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव्स सीओ टू प्लस टू एच टू, ये तो तुम बुक में डायरेक्ट लिखा है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। नंबर टू, ये तुम लोग का सही था, पीबीएनओ थ्री होल ट्वाइस प्लस टू के आई गिव्स पीबीआई टू प्लस टू के एनओ थ्री इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शॉर्ट में लिखती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर थ्री, सीएओ प्लस एच टू सीएओ एच होल ट्वाइस दो से एक बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। फोर्थ पार्ट में जो था सी एच फोर प्लस जेड एन जी जेड एन एच फोर प्लस सी, इसमें ये तो देखते पता चला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी लिख दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल का तो कोई जरूरत ही नहीं, इसमें क्या जरूरत है बेटा इसे लिखने का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये जो सिंगल वर्ड कहां से मिला था, पल नहीं लिखना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक तो कई जगह लिखते ना ऊपर जगह ज्यादा लिख देते। सो नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन में क्या मिस्टेक किया, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्या बोला, नेम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा था,
तो मैग्नीशियम एम जी प्लस, हाँ क्या लिखा बेटा प्रोडक्ट का नाम? एम जी सी एल टू प्लस एच टू, यहाँ पे टू से बैलेंस कर देते मोस्टली लिखा एम जी सी एल, भाई तो गलत है, गलत क्यों? मैग्नीशियम का दो बैलेंस ही है, क्लोरीन का वन बैलेंस ही होती है, तो जोड़ेगा तो क्या होगा एम जी सी एल, एम जी सी एल लिख के रखते वो गलत हुआ। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम बोला तो लिखना था मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, वो भी नहीं लिखा, और इसमें क्या लिखना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, तुम लोग प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, किसी ने ऐसा लिखा एम जी प्लस एच सी एल, अपने मर्जी से स्मॉल एम थोड़ी हो, ठीक है, इतना टाइप ऑफ मिस्टेक। दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जो मिस्टेक किया तुम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें बोला कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर टेकन इन ए बीकर, बोला टेकन इन ए बीकर, बीकर तुमने बनाए नहीं, एम तुमने लिखा नहीं, एम होती है कोई एक्टिविटी लिखने पड़ते तो पहले एम, ओके, उसके बाद मटेरियल यूज्ड रिक्वायरमेंट जो है उसको लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कॉन्क्लूजन, रिजल्ट लिखो कॉन्क्लूजन, कुछ तो लिखे, कुछ भी नहीं लिखा, रिएक्शन को लिख दिया, कंटेनर तक नहीं बना, कहां से नंबर है, एम लिखो, मटेरियल यूज्ड वो लिखे, नहीं तो अपरेटर सेटअप कुछ तरीके से लिखो, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या आएगा कॉन्क्लूजन, डायग्राम होगा, एक्टिविटी होने के लिए इतना जरूरत पड़ता है, वो सब नहीं लिखा, तो नंबर तो उसने स्ट्रेट कर, तुम लोग को जीरो नंबर मिल गया। उसके बाद दिखता है तो इसमें पता चले बेटा डायग्राम होगा, ये होगा कॉन्क्लूज ऑब्जर्वेशन कॉन्क्लूजन मेटेरियल यूज बिगिनिंग में लिखना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, वो तो लिखना पड़ेगा पेल ग्रीन, और ग्रीन लिख फेरस सल्फेट का कलर पेल ग्रीन, नहीं तो ग्रीन लिख दिया। उसके बाद जब एपीएसओ को हम लोग हीट करें एपी टू और थ्री प्लस एसओ टू प्लस एसओ थ्री, इस जगह में किसी ने लिख दिया सीओ टू, ये कहां से आएगा, यहां पर कार्बन दिखा दे रहा, ऐसे ऐसे लिखते हैं। अच्छा उसके बाद इसका जो है ब्राउन कलर होगा, रेड इज ब्राउन कलर होगा, ठीक है ना, एक ने लिखा ब्राउन रेड, ये क्या स्पेलिंग, आर ई डी रेड, नहीं तो रेड इज ब्राउन ऐसे लिखे, क्लियर, ऐसे क्यों हो जाते हैं। नेक्स्ट नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑन स्ट्रॉन्गली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर इन दिस किचन, ये वाला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद वाला आसान था, यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके उसका दो रिएक्शन देना था, ठीक है, ठीक से पढ़ो, सिंबल वाला ठीक से यूज करो, ठीक है, बायो का सॉल्व करो बेटा।